विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए बताया कि लगातार 11 वर्षों से जश्न आजादी का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम 5 अगस्त से प्रारंभ होकर 13 अगस्त तक मनाया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे एवं हिंदुस्तान की आजादी में उलाना की कुर्बानी के विषय पर अपने विचार रखेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को ट्रॉफी व नगद पुरस्कार वितरण किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में फैंस क्लब अध्यक्ष अब्दुल नफीस एवं काजी हजमत शाह मक्की भी उपस्थित हुए। मेरे फैंस क्लब, मेरे साथी, सबकी मेहनत से, सबकी मदद से, भोपाल वालों की मदद से हमने इसको पूरा करा। 11वां साल है, कल से ये पखवाड़ा फिर भोपाल में प्रारंभ होगा। आपको इसका शेड्यूल दिया जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके आज के दौर में इसकी आवश्यकता ज्यादा है। जिस ताकत से नफरत बही है, मणिपुर हमारे सामने है, राजस्थान की एक घटना ट्रेन की हमारे सामने है, मेवात की घटना हमारे सामने है, जिस तरह से जातियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, नफरत बांटी जा रही है, इन सब को दूर करने के लिए मोहब्बत का पैगाम बहुत जरूरी है। और ये देश के नौजवानों को समझना बहुत जरूरी है कि हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति के पूर्वज का इस देश के आजादी में योगदान है। सबके योगदान से ये देश आजाद हुआ। उसी की बुनियाद पर उलेमा इकराम की कुर्बानी याद करो प्रोग्राम कल से प्रारंभ होगा, जो शहर के विभिन्न चौराहों पे होगा। यही मैं आपसे निवेदन करने बुलाया था। इसका मैंने पत्र भी आपको दिया, प्रोग्राम की डिटेल भी दे रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अगर इसको जगह दे देंगे तो आज के माहौल में एक आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ आपकी भी सहभागिता इसमें हो जाएगी। धन्यवाद। ये प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में हमने इनाम भी रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपने बहुत अच्छा सवाल करा। हमने इसको प्रतियोगिता से जोड़ा ताकि बच्चे पढ़ें और वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा उलेमा इकराम के नाम याद करके आएं। और चौराहे पे रखने का इसका मकसद, इस प्रोग्राम को हम हॉल में भी करा सकते थे, कोई स्कूल कैंपस में, एजुकेशन सेंटर पे करा सकते थे, लेकिन चौराहे पे कराने का मकसद ये है कि हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में जाने जो बच्चा पढ़ रहा है। जब वो बच्चा पढ़ेगा तो उसका पृष्ठभूमि याद करके आएगा और वो बताएगा कि आज़ादी के कौन से हिस्से में इन्होंने क्या कुर्बानी दी थी, फिर इनको फांसी हुई, जेल हुई, किन किन प्रताड़नाओं से इनको जूझना पड़ा। जब वो बच्चा बताएगा तो वो जो कानों में आवाज़, हमारा मकसद है वो उन तक गूंजे कि नफरत की आंधी कम हो और मोहब्बत की जागे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम होंगे, कैश प्राइज दिए जाएंगे। फिर एक बड़ा प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम जो होगा वो लास्ट बड़ा होगा, जो धर्मकांटा एजेंसी पे होगा।